बढ़ते आगे केंद्र और राज्य सरकारों के पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने पर कांग्रेस अपनी जीत बता रही है और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के लिए हालिया के दिनों में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी किया था, जिसके दबाव के चलते सरकार ने तेल के दामों को कम करने का निर्णय लिया है। साथ ही इंदिरा हृदयेश ने सरकार के इस फैसले को आगामी लोकसभा और निकाय चुनावों को देखते हुए लोगों को भ्रमित करना बताया है। तो विपक्ष के निशाने पर है मौजूदा सरकार, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से विपक्ष ने हंगामा भी किया और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। इसके बाद अब पेट्रोल के दामों में कुछ कमी देखने को मिल रही है और इस पर भी विपक्षी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये कहा है इंदिरा हृदयेश ने कि ये कहीं ना कहीं फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर एक वोट बैंक को साधने की कवायद के नजरिए से भी इसे देखा है। चुनावी काम कर रहे हैं तो पहले भी एक्साइज में इन्होंने 2.5 कम किया और राज्य सरकारों से कहा 2.5 आप लोग वैट में कम करिए, तो अभी आप ही बता रहे हैं कि उत्तराखंड ने वैट में अभी कम नहीं किया, पर मुख्यमंत्री की भी घोषणा आज नहीं किया कल कर देंगे, करना तो उन्हें पड़ेगा ही, तो वो ये पहले ही कर सकते थे। पर जब महंगाई के कारण पूरा देश जल गया और बंद हो गया, अभी महंगाई को लेकर लगातार दबाव पड़ रहा है, तो दबाव के बाद इन्होंने ये काम किया। अंकित शाह संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अंकित, विपक्षियों के निशाने पर है मौजूदा सरकार? जी सुनिए, आपको बता दें कि जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ते जा रही थी और लगातार विपक्ष हमला कर रहा था केंद्र सरकार पर, वहीं आपको बता दें कि दामों में जिस तरह से वृद्धि हुई थी उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था और जिसके तहत केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो दामों में जो वृद्धि हुई थी उसमें कुछ कमियां लाई है। वही नेता प्रतिपक्ष ने सीधे हमला किया है सरकार पर। उनका कहना है कि चुनावी मुद्दा ये सत्ता बना रही है, क्योंकि उनको पता है कि 2019 के चुनाव नजदीक है, इसके नाते प्रदेश सरकार ने वैट कम कर रखा है, ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और लोगों को लुभाने के लिए इस तरह का डिसीजन इन्होंने लिया है। शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने साफ तौर पर तंज कसा है कि कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के चलते ये फैसला लिया गया है।